Hello everyone and welcome back once again for another session of macroeconomics. देखिए macroeconomics में हम banking से related concepts को cover कर रहे हैं and I hope कि जितने earlier sessions हमने समझे हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए. हमारे इस chapter में एक final topic और left है इस session के point of view से, which is difference between central bank and commercial bank. तो चलिए आइए फटाफट से इसे क्लियर करते हैं. हम पढ़ चुके हैं कि कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं. बिल्कुल इसी तरीके से हम सेंट्रल बैंक के कंसेप्ट को भी समझ चुके हैं. तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. नंबर वन, जो सेंट्रल बैंक है यानी कि जिसे हम हिंदी में केंद्रीय बैंक कहते हैं, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है, वो पब्लिक वेलफेयर है, मतलब जनता की सेवा करना है. लेकिन अगर हम कमर्शियल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कमर्शियल बैंक का, एक वाणिज्य बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कोई पब्लिक वेलफेयर नहीं होता, वो होता है प्रॉफिट मेकिंग. बेसिकली ये पब्लिक वेलफेयर ऑब्जेक्टिव है लेकिन इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना है. नेक्स्ट, नो डायरेक्ट डीलिंग विद दी पब्लिक. किसकी? सेंट्रल बैंक की. अगर आपने अर्लियर सेशंस ध्यान से सुने हैं तो मैंने उस वक्त भी इस बात का जिक्र किया है कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो लोगों के साथ डायरेक्ट डीलिंग नहीं बनाता है. हम हमारे सेविंग अकाउंट्स जो ओपन करवाते हैं या अपने करंट अकाउंट्स जो ओपन करवाते हैं वो हम कमर्शियल बैंक्स में करवाते हैं, हम सेंट्रल बैंक के थ्रू नहीं करवाते हैं. तो सेंट्रल बैंक की पब्लिक के साथ, जनरल पब्लिक के साथ कोई डायरेक्ट डीलिंग नहीं होती है लेकिन कमर्शियल बैंक्स की होती है. बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो है, इट इज अ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ये एक गवर्नमेंट ऑन्ड ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल बैंक, लेकिन कमर्शियल बैंक जो है वो गवर्नमेंटल भी हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल भी हो सकते हैं. अगर आपने सुना हो तो कुछ पब्लिक बैंक्स होते हैं, कुछ प्राइवेट बैंक्स होते हैं. तो इसलिए कमर्शियल बैंक जो है वो प्राइवेट ओन्ड भी हो सकते हैं और गवर्नमेंटल भी हो सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है वो है, सेंट्रल बैंक डज नॉट कम्पीट विद दी कमर्शियल बैंक्स. सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक्स के साथ किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता है, बल्कि ये तो एज अ बैंकर्स बैंक या एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक्ट करता है. लेकिन अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो दूसरे कमर्शियल बैंक के साथ, मतलब एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक के साथ कम्पीट करता है. क्यों? तभी प्रॉफिट मोटिव कम्प्लीट हो पाएगा ना. लेकिन ये एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल बैंक एक्ट करते हैं. नेक्स्ट, जो नोट इशू करने का, नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है, मोनोपोली राइट है, वो सेंट्रल बैंक के पास है, वो कमर्शियल बैंक्स को अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल बैंक है वो सारी की सारी इकोनॉमी में बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है, उसे कंट्रोल करता है. तो इट इज द कंट्रोलर ऑफ होल बैंकिंग स्ट्रक्चर इन एन इकोनॉमी या ऑफ एन इकोनॉमी. लेकिन अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो ये क्या है? ये वो बैंक है, ये वो बैंकिंग स्ट्रक्चर है जिसे एक्चुअली सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है. तो इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक. अब नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट दी लीस्ट जो डिफरेंस मैंने कवर किया है, ये मैंने क्लब कर दिया है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे अलग अलग भी डिफरेंस बना सकते हो. जैसे सेंट्रल बैंक जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कस्टडी अपने पास रखता है, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू दी इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन स्ट्रक्चर ऑफ इन एन इकोनॉमी कस्टोडियन एक्ट करता है. बिल्कुल इसी तरीके से इट एक्ट्स एज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो सब सेंट्रल बैंक के थ्रू ही कंडक्ट की जाती हैं. इट कंट्रोल्स द क्रेडिट, साख का नियंत्रण करता है. और जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका एक क्लियरिंग हाउस, एज अ क्लियरिंग हाउस भी एक्ट करता है. ये सब कंसेप्ट हम सेंट्रल बैंक की एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं. लेकिन अगर हम दूसरी साइड पर बात करें, क्या कमर्शियल बैंक के पास ये सब फंक्शंस अवेलेबल हैं? नहीं है. लेकिन हाँ, अगर सेंट्रल बैंक की इंस्ट्रक्शन हो तो कोई भी कमर्शियल बैंक जो है वो ये सब फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है.
इट एक्ट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि के तौर पर अगर कमर्शियल बैंक, फिर से कहूंगी, अगर सेंट्रल बैंक चाहे तो एक कमर्शियल बैंक जो है वो बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट भी एक्ट कर सकता है, क्रेडिट कंट्रोल में तो ऑब्वियसली मदद करते ही करते हैं, और क्लियरिंग हाउस की फॉर्म में भी एज एन एजेंट, एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम कर सकते हैं. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स. आई होप कि ये डिफरेंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर रहा. काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है. वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.